हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने फिजिक्स में पहली फिजिक्स में जो फर्स्ट फिजिक्स है आपकी, उसमें मैंने 7 चैप्टर की थ्योरी को कवर कर दिया है, जिस पर मैंने 4 लेसन पर न्यूमेरिकल भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करूंगा कि उन सभी वीडियोजों को आपने देख लिया होगा और अपनी तैयारी 90+ के लिए जो आपका एम है उसे आप आगे बढ़ाते हुए उन सभी वीडियोजों को प्लेलिस्ट से देखते जाइए। और हर संडे में आपको उनको पूरी तरह से रिवाइज करना है, अपने एक नोट्स बनाना है, मेरी वीडियो बार बार नहीं देखना है। तो आज मैं आपके लिए ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश पर मैंने आपको एक तरंगाग्र की डेफिनेशन बताई थी, बहुत अच्छे से समझाया था। अब उसी में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रत्येक बार पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि 2020 में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने 4 मार्क में रखा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझाऊंगा और आप भी समझने की कोशिश करेंगे। और आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का आप सिद्धांत देख रहे हैं। तो इसमें 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे। कितने पॉइंट लिखने होंगे दोस्तों? आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे और इन्हीं 3 पॉइंटों में से आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। कितने मार्क मिल जाएंगे दोस्तों? 4 मार्क मिल जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कोई एक तरंग स्रोत है, मान लेता हूं मैं ये कोई तरंग स्रोत है, ठीक है। अब बात आती है तरंग स्रोत क्या होता है। तो तरंग स्रोत वह होता है दोस्तों, जहां से तरंगें निकलती हैं उसे क्या कह देते हैं हम लोग? तरंग स्रोत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तरंग स्रोत। तो मान लेते हैं कि यहां से कोई तरंगें निकलती हैं, ये तरंग मान लीजिए निकल रही है इधर से, तो इस पर हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींच देते हैं। मैंने यहां पर एक कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच देते, इसके चारों ओर जो भी कण है वो पूरी तरह से इसके चारों ओर कंपन करने लगेंगे। मान इस पर जो भी कण होंगे, इस पर वह क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। वही क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? जब किसी तरंग स्रोत से तरंगिकाएं निकलती हैं, उस पर हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, तो उसके चारों ओर क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। यही गति तरंगाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तरंगाग्र कहलाती है। एक बार फिर से बताता हूं, आपको कहना है जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जहां जिस चीज का स्रोत होता है वहीं से वह चीज अच्छे से अवेलेबल होती है। जैसे मान लीजिए नमक का स्रोत आपका जहां होगा, जहां भी होगा वहां नमक आपको बहुत सस्ता मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर तरंग स्रोत है, तो यहाँ से जो तरंगे होंगी हमें आसानी से मिल जाएंगी। यदि हम इन दूर से इन तरंगों को प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए इन तरंगिकाओं को जब लैब में ले जाया जाता है तो तरंग स्रोत से ही इनको लिया जाता है। एक तरंग स्रोत होता है जी, जब आप जाएंगे तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। जब आप उसे लाइट में, प्रकाश में, सूर्य के सामने लाएंगे तो वहां से ये तरंगे निकलेंगी। उस पर आप एक क्या खींचेंगे? काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। जो भी इनके चारों ओर कण होंगे वह क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। यही क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। ये आपको फर्स्ट स्टेप पर लिखना है। तो उम्मीद करूंगा कि फर्स्ट स्टेप जो था वो आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। बस आपको यही लिखना है, माना कोई एक तरंग स्रोत है जिससे तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों पर हमें कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन या फिर कण कंपन करने लगते हैं। यही कंपन करना क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। किस पर बात करते हैं दोस्तों? सेकेंड पॉइंट की। तो आप समझ गए कि तरंगाग्र क्या होता है। तो दोस्तों, तरंगाग्र की जो भी एक स्थिति होगी, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये तरंगाग्र यहां से बन गया, इसके बाद तो दोस्तों आप ये समझ चुके कि तरंगाग्र क्या होता है। इसके बाद मान लीजिए ये कोई तरंगाग्र बन गया, तो तरंगाग्र के जितने भी बिंदु होंगे, मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया, सेकंड पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए तरंगाग्र आपको मैंने बता दिया, तो ये तरंग स्रोत है, तरंग के बिंदु है। जितने भी ये बिंदु होंगे तरंग के, क्या होंगे दोस्तों? जितने भी ये तरंग स्रोत के बिंदु होंगे वह एक नए तरंग का कार्य करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एक नए तरंग का कार्य करेंगे। और ये जितने बिंदु होंगे, अगर ये नए तरंग का कार्य करेंगे, मान लीजिए ये है एक नए तरंग का यहां कार्य करेगा, फिर ये एक नए तरंग का यहां कार्य करेगा, इसी प्रकार जब ये नए तरंग का ही कार्य करेगा, मान लो ये है एक, फिर ये नया देगा, तो चारों तरफ तरंगिकाएं क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चारों तरफ तरंगिकाएं फैल जाएंगी। क्यों फैल जाएंगी? क्योंकि ये मान लीजिए एक है, ये अब ये एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, नए तरंगाग्र का कार्य करता है। ये तरंगाग्र बिंदु है, एक नए बिंदु का जब कार्य करेगा तो इस बिंदु को बनाएगा, फिर ये वाला जो बिंदु होगा ये अगले बिंदु को बनाएगा। इस प्रकार से चारों
और तरंगिकाएं क्या होंगी, फैल जाएंगी। यही क्या कहलाती है हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। तो उम्मीद करूंगा कि सेकंड पॉइंट भी जो था वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको लिखना क्या है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, क्या कहेंगे, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और उससे तरंगिकाएं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। क्यों फैल जाती हैं मैंने बता दिया, चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, यही तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों दो पॉइंट आप समझ चुके होंगे। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, अगर इन टॉपिकों को आपने दो पॉइंट कायदे समझ लिए हैं तो तीसरा पॉइंट आपको समझने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता, आप समझ जाएंगे। इसके बाद आपके चार नंबर भी कोई नहीं रोक सकता। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपका जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो उस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये तरंग बिंदु है, प्रत्येक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, तो ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। तो बढ़ती हुई इन तरंगों पर, मान लेते हैं ये तरंगे बढ़ रही हैं ऐसे 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 ऐसे, क्या हो रही हैं, ये तरंगे बढ़ रही हैं, इन पर मैं एक काल्पनिक पृष्ठ खींचूं, इन बढ़ती हुई तरंगों के पृष्ठ पर एक मैं पृष्ठ खींचूं, तो वह क्या करेगा, तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। किसको दोस्तों, तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि इन बढ़ती हुई तरंगों पर, यदि इन बढ़ते हुए तरंगाग्र पर हम उसके पृष्ठ पर क्या खींचे, इन बढ़ती हुई तरंगिकाओं के पृष्ठ पर एक क्या खींच दें, रेखा खींच दें, वेव खींच दें, किरण खींच दें, कुछ भी आप बोल सकते हो, तो वह क्या करेगा, एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा दोस्तों, नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यही जो तीन टॉपिक हैं वो आपको लिखना है, सिंपल सा ये टॉपिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ती हुई तीसरा पॉइंट जो है, बढ़ती हुई तरंगिकाओं के पृष्ठ पर एक हमें क्या खींच देना है, पृष्ठ खींच देना है, बढ़ती हुई तरंगों पर, आप ये बोल सकते हैं बढ़ती हुई तरंगों पर हमने एक क्या खींचा, पृष्ठ खींचा, वह तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आएगी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या। अब दोस्तों मैं इसकी सफलताएं बता दूं आपको, जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे वो कहां तक सफल हो पाए और कहां जाके असफल हो गए। तो दोस्तों हाइगेंस नामक जो वैज्ञानिक थे वह अपना परावर्तन की व्याख्या तो बहुत आसानी से कर पाए, इसके बाद अपवर्तन की व्याख्या भी बहुत आसानी से कर पाए। तो दोस्तों ये परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या इन्होंने कर ली, इसलिए इन पर क्या हो गए, सफल हो गए। क्या हो गए, सफल हो गए। इसी सिद्धांत से इन्होंने क्या किया, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों की व्याख्या कर दी, व्यतिकरण की भी व्याख्या कर दी और विवर्तन की भी व्याख्या कर दी। इसी सिद्धांत को लगा करके इन्होंने क्या किया, व्यतिकरण को प्रदर्शित कर दिया, मतलब व्याख्या कर दिया, विवर्तन की व्याख्या कर दिया, परावर्तन की व्याख्या कर दिया और अपवर्तन की व्याख्या कर दिया। इन चार कामों को करने पर ये क्या रहे, सफल रहे। परंतु दोस्तों ये जब इन तीनों चारों सिद्धांतों को कर चुके, तो जब इन्होंने आगे अपना सिद्धांत बढ़ाया, अब ये असफल कहाँ हो गए दोस्तों, तो इनकी जो असफलताएं हैं वो मैं बता देता हूँ। ये जो है ध्रुवण पर, इन्होंने जब ध्रुवण की व्याख्या की तो उस पर ये सफल नहीं हो पाए, मतलब ध्रुवण की व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार नहीं कर पाए। जो मोरवेल वो आए थे, वो एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था दोस्तों, मैक्सवेल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो ईथर की उपस्थिति इन्होंने मानी थी, तो इनकी ईथर की उपस्थिति को उन्होंने सही नहीं माना, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो इन्होंने ईथर की उपस्थिति ली थी वह सही नहीं थी। तो इनकी दो असफलताएं मैंने बता दी, चार सफलताएं मैंने बता दी, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मैंने बता दिया। बस आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।